नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसीआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीआईटी का एग्जाम जो कि आज 31 जनवरी 2021 को हुआ है, उसकी आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास ये बी सीरीज की क्वेश्चन बुकलेट है। अगर आपके पास ए सीरीज, सी सीरीज या डी सीरीज की बुकलेट है तो उस बुकलेट को अपने पास में रखिए, क्योंकि मैं आपको उसके क्वेश्चन से आपको मैं टिक मार्क करवाऊंगा भी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले उसकी सही इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की बी की बुकलेट में से पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि बी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, यानी कि सभी ऑप्शन यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसमें हब भी एक नेटवर्क कनेक्शन है और एक स्विच भी है, तो यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन, यूआरएल किस बार में शो होता है? तो ये एड्रेस बार में शो होता है, यानी कि तीन नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर चार, वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सेल्स, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसके चौथे नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि सेल्स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पांच, ईमेल सप्रेशन में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो सही आंसर इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि पांच नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर छह, नेटस्केप नेविगेटर एक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ब्राउजर, यानी कि नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, यानी कि छह नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर सात, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नेविगेटिंग, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, जिसने भी डी किया उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका इंक जेट प्रिंटर, यानी कि कलर प्रिंट के रूप में जो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा कंट्रोल एम, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के पृथक द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि कोमा के द्वारा हम एड्रेस को अलग अलग कर सकते हैं, जिसने इसका बी ऑप्शन किया वो बिल्कुल सही है, यानी कि कोमा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट्सएप का उपयोग किस में किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है वो बी ऑप्शन, यानी कि रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन ईमेल के फोल्डर में नहीं होता है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15,
अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेटअप करने के लिए आप किस में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों, जब भी हमें कंप्यूटर में कोई नेटवर्क की सेटिंग करनी हो तो हम ऑप्शन यूज करते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोलते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन के सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग करके फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का निशान हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर लेस, अगर छोटे का फॉन्ट अगर साइज कम करने के लिए बोलता तो हम इसका लेस देन का यूज करते हैं, जिसका सही ऑप्शन हो जाता बी ऑप्शन। अब इसका है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सोशल नेटवर्क साइट है, फेसबुक भी है और ट्विटर भी है, तो इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, यानी कि फेसबुक और ट्विटर। तो क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल इसके सही हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी आप शेयर जरूर कर दीजिए। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर उदाहरण है? तो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है 12, यानी कि F1 से लेके F12 तक की टोटल जो 12 कीज होती है वो सारी फंक्शन कीज होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, माउस एक है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो एस्केप कीज, यानी कि एस्केप की अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जो हमारी स्लाइड चल रही है वो वहीं रुक जाएगी, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 KB के बराबर 1024 बाइट्स, तो यानी कि 27 नंबर का पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। दो प्रकार, क्वेश्चन नंबर 28, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो कैप्स लॉक की हम कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे तो जो हमारे जितने भी अक्षर हम टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल अक्षरों में, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना स्टार्ट होते हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, MICR में सी का अर्थ क्या होता है? तो सी का अर्थ होता है करेक्टर, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यानी कि जिसे हम कॉम्बिनेशन की को बोल देते हैं, तो हमारी एल्ट और कंट्रोल होती है जो कम्युनिकेशन यानी कि संयोजन की होती है, तो इसका 31 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल
सही है, यानी कि कंट्रोल कीज का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ये 32 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। अगर आपने सी ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 33, एमएस एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस एक्सेस में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो काफी सारे क्वेश्चन आपके अंदर है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन, विंडो 10 में स्नैप एसिस्टेंट का उपयोग क्या उपयोग है? विंडो 10 में स्नैप एसिस्टेंट का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर होगा स्क्रीन शॉट लेने के लिए, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किए थे माइक इस RRCIT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें सभी वीडियो में से ये क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी जरूर कर देना।